वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और ये है मेरी सिस्टर जैस्मीन। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक मेकअप करने वाली लेडी के पास। हम लोग निकल का घर एकदम सामने हैं और अभी हम लोग जाएंगे उसके पास पार्टी मेकअप करने के लिए। मैं उनको कहूंगी कि आज रात को मुझे शादी में जाना है, तो उस हिसाब से उनको मेकअप करना है, मेरे फेस पे मेकअप करना है। तो वो घर पे ही मेकअप कोर्स करके घर पे ही करती है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैं एक लेडी के पास गई थी। तो ये वाली लेडी एक अलग लेडी है, मेरे घर के एकदम पास है। तो चलो जाके देखते हैं कि वो कैसी वीडियो कैसी मेकअप करती है। ओके बाय, चलो। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं अपना जो कैमरा है वो उसको मैंने सेटअप कर लिया है और अभी चालू होने वाला है मेरा मेकअप। और पहले इन्होंने ये हेयर बैंड लगा दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लगता है बहुत ही अच्छी मेकअप करने वाली है ये लेडी। बट ये देखो क्या किया इसने यार, ये क्या है, ये पोछा है, पोछा लगा रही है मेरी स्किन के ऊपर। इसमें आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, सब कुछ ऑलरेडी लगा हुआ था, उसी से मेरी स्किन को वो साफ़ नहीं, गंदा कर रही है। अरे ये क्या है, ये तो एक लोशन है जो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं, हाथों में, पैरों में, पर फेस के लिए तो ये नहीं यार, मॉइस्चराइज़र नहीं है तो मत लगाया करो। क्या लगा रहे हो यार, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होते हैं, ये स्किन के लिए नहीं है दीदी। इनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी स्किन तो पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, जो जिसका जो मन में आया वो वही करे। अब ये आ गया मेरा प्राइमर, मतलब इनका स्पेशल प्राइमर। पहले मुझे लगा ये शायद एलोवेरा जेल होगा, बट ये नहीं है, ये एकदम पतला सा शैम्पू जैसा कुछ। उसी चीज़ से हो रही है मेरी स्किन एकदम पॉलिश, चकाचक चकाचक। अब ये करेगी इस ब्लैक मैजिक पाउडर से, ये ब्लैक पाउडर से मेरी आईब्रोज़ को ड्रॉ। आई होप कि ये मेरी अच्छे से मेकअप करे, मतलब पिछली बार की तरह वो पार्लर दीदी जैसी रावण वाली आईब्रोज़ ना बना दे। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि ये सारे वीडियोस जो मैंने बनाए थे, मेरे प्रीवियस वीडियो, ये वाली वीडियो और एक भी मेरे पास है, तो ये सारे वीडियोस लॉकडाउन के बहुत ही पहले बना था। मुझे टाइम नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने इसको अपलोड नहीं किया था, एडिटिंग का कुछ काम भी नहीं हुआ था। सो अभी मैं इसको अपलोड मैं कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग इन्जॉय करो, बेवजह दिमाग मत चलाओ यार। एंड यस, आईब्रोज काफ़ी अच्छे बने हैं। आई शेडो आप मतलब ग्रीन कलर का लगाओ, ठीक है, मतलब मैं यही ड्रेस पहनूंगी शादी में जाके, तो आप इस हिसाब से कुछ कर दो, सो अभी ये लगा रही है कंसीलर, जिसका जो कलर है एकदम ठीक ठाक है मेरे स्किन के हिसाब से ही, ओके और मतलब प्रीवियस लेडी के तरह एटलीस्ट वो सफ़ेद पाउडर जैसी कंसीलर तो नहीं लगाई इसने। बट दुख की बात यही है कि ये ब्लेंड नहीं हुआ अच्छे से। अब क्या बताओ, मेरी फूटी किस्मत, एक चीज़ अच्छी तो एक बुरी, एक चीज़ बुरी तो एक अच्छी, कुछ परफेक्ट नहीं है मेरी लाइफ में, मतलब मेकअप। सो अभी ये आगे एक छोटी सी क्यूट सी ब्रश लेके आई शेडो लगा रही है और इसका कलर है ब्लू। मैंने इनको पहले ही कहा था कि मुझे ग्रीन आई शेडो चाहिए, गोल्डन चाहिए, उसमें इनके पास नहीं है, बोल देते मुझको, पर ऐसे ब्लू आई शेडो लगाने की क्या ज़रूरत है। फिर वैसे ही एक क्यूट ब्रश लेके वो लगा रही है ब्लैक आई शेडो, जिससे वो कट क्रीज बनाने की कोशिश कर रही है और बीच बीच में उंगली से वो साफ कर रही है एक्स्ट्रा आई शेडो। वाओ, सो पहले जो आईज है उसका जो मेकअप है, मतलब आई मेकअप, मुझे पसंद आया था, जैसे भी कर रही है बट अच्छी कर रही थी। बट दूसरी आँख का आई शेडो आप लोग देखो गाइस, क्या है ये, दोनों सेम तो करो यार, कैसा है ये। अगर मैं रियल में शादी में जाऊँ तो लोग क्या सोचेंगे इसको देख के, पैसे किस बात के लेते हो आप लोग, कुछ काम भी सीख लो। अब क्या बताओ, कुछ नहीं बोलना है मुझे। यहाँ पे मेरा आईलाइनर जो लग गया है ना यहाँ पे, ठीक कर, और इसका कलर भी तो मैच नहीं हुआ ना मेरे सलवार से, आप देख लो। कोई बात नहीं, इसका ग्रीन वाला नीचे से लगा दे। वाह, ये मैडम तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है यार। मैंने उनको कहा था कि मुझे ग्रीन और गोल्डन आईलाइनर आई शेडो चाहिए, उन्होंने ब्लू और ब्लैक कर दिया। अब बचा कुछ, मैंने जब कहा तो उनको याद आया कि हाँ ग्रीन लगाने थे, ग्रीन कपड़े पहने हैं, क्यों नहीं देखे आप। अभी आप बोल रहे हो कि नीचे लगा देंगे, क्या है ये, क्या मेकअप है, यहाँ पर मजाक चल रहा है यार। सो मैं अभी ऑलमोस्ट चुड़ैल बन ही गई हूँ, और भी शायद मतलब और भी काफ़ी काम है। और आ गया इनका मस्कारा, थोड़ा स्लो कीजिए, आंखों के अंदर चला गया मेरा, मेरी आंख जाते जाते बची, मैं अंधी होने से बच गई। इससे ज़्यादा और क्या करूँ आप लोगों के लिए मैं, फिर भी हेट कमेंट्स करते हो आप लोग मुझे, बिल्कुल अच्छे नहीं हो आप लोग, और मुझसे एकदम प्यार नहीं करते हो आप लोग, पसंद नहीं करते आप लोग मुझे। इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है, क्या करूँ आप लोगों के लिए मैं, खुदकुशी कर लूँ क्या,
रहने देते हैं। चलो कोई नहीं, हेटर्स तो हेट कमेंट करेंगे ही, बट जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सबको एक साथ। अब प्यार मोहब्बत के बातें छोड़ के हम फाउंडेशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इन्होंने जो फाउंडेशन मेरे ऊपर अप्लाई किया वो एक ब्लैक ट्यूब में आया है, पता नहीं वो कौन सा फाउंडेशन है, कुछ जहरीला फाउंडेशन है या एक्सपायर कुछ, आई डोंट नो, प्लीज़ मेरी स्किन को बचा लेना अल्लाह। अब ये आ गया कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि है लैक्मे का, और इसका शेड भी ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा है, मेरे स्किन टोन से मैच करता है। बट ओ माय गॉड ये क्या है, ये लिपस्टिक मैंने तब देखा ही नहीं था कि मेरे ऊपर कौन सी लिपस्टिक वो लगाएगी। सडन इन्होंने ये जहरीली पिंक वाली यू नो लिपस्टिक लगाना स्टार्ट कर दिया, और इससे मैं चुड़ैल दिख रही हूँ एकदम, चुड़ैल डायन, यू नो बंगाली में कहते हैं शाक चुन्नी गल्पो, तो वही दिख रही हूँ मैं। बच्चे मुझे देख के डर जाएंगे, सारे बच्चे बूढ़े जवान सारे मुझको देख के डर के मारे भागेंगे सब। एक रेड कलर की अगर लिपस्टिक लगा देती तो कोई बात ही नहीं होता, तो ठीक ठाक ही शायद रहता, मतलब इतनी बेहुदा तो मैं दिखती नहीं कभी, अब क्या बताओ। चलो अच्छा है कि मेरे घर पास ही में ही है, जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ तेरी ये तो वो छोटा सालू है, वो जो प्रीवियस पार्लर लेडी के पास जो थी, मतलब उनके पास इससे थोड़ा सा बड़ा था वो झाड़ू, तो मुझे ये झाड़ू देख के बहुत हंसी आती है, मतलब ये मेकअप बॉक्स के अंदर ही रहती है, बट इससे ना एकदम नहीं होता, ब्लशर लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये जो झाड़ू है मतलब ये जो ब्रश है वो यू नो बहुत ही हार्ड होते हैं, तो इसे ब्लशर तो बिल्कुल लगता ही नहीं है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो इसीलिए वो बड़ा ब्रश यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। और इनको देखो ये भी फिंगर से लगाना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता था आई न्यू इट कि इससे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बट आप लोग सुनते गाओ मेरी बात। अब ये देखो ये हाइलाइटर लगा रही है फिंगर से, वो भी मिडल फिंगर से, क्यों करते हो आप ये सब, पागल हो, नो उसको टच मत करना मेरी, क्या ज़रूरत थी इसकी, कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही मैं भूतनी दिख रही हूँ, घर पर जाकर मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। वाओ आपके पास आईलैश भी है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये आपके पास होगा, बट चलो ठीक है, कुछ तो काम का आपका काम कर रहे हो, मतलब मेरे पैसे एक साइड से मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है कि आपने आईलैशेस जो है वो लगाया, तो थैंक यू सो मच, आप बहुत महान हो, बहुत महान लेडी हो आप, बहुत ही अच्छा मेकअप किया आपने, मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच, कितना अच्छा मेकअप करते हो आप यार वाकई में। तो चलो फाइनल लुक दिखा देती हूँ और पैसे की भी बात कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा मेकअप ना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो मैं आपको 600 दो। नहीं नहीं 600 नहीं होगा, मेकअप तो ठीक ठाक ही है, कहाँ खराब हुआ, तुमको परफेक्ट हुआ है मेकअप। नहीं मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 1000 का मेकअप मुझे अच्छा ठीक नहीं लगा, मैं आपको 600 ही देती हूँ ना। नहीं ठीक आप बोल रहे 600 नहीं 700, ठीक है फिर 700। आप ब्राइडल मेकअप भी करते हो ना, तो कितना लेते हो आप इसका? ऐसे में वो तो आपका प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्टार्टिंग प्राइस है 2000-2500 ऐसे। अच्छा ठीक है फिर, आपने किया ना बहुत काम इसके ऊपर, ठीक है फिर थैंक यू। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो आई लैशेज है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही खुल गया है, बीच में खाली अटका हुआ है, और इस मेकअप का उस लेडी ने 700 लिया है, और बहुत ही भयानक मेकअप है ये, फाउंडेशन जैसे लगा ही नहीं। और ओके गाइस तो अभी मैं इसको अच्छे से वॉश करने वाली हूँ, और ऐसे टाइप के वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। ओके देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।